नामवर भारतीय गुलूकार जगजीत सिंह लाहौर आए तो उनसे मिलने होटल पहुंचे। वो बड़े तपाक से मिले, बेतकल्लफी का इजहार करते हुए हंसी मजाक भी किया। सुबह उठकर सबसे पहला काम क्या करते हैं? ब्रश व्रश करके फिर मैं निकल जाऊँ वॉक करने के लिए। आई वॉक अराउंड 4 to 5 किलोमीटर और चाय वाय पी के फिर घर पर आ जाते हैं। फिर घर नहा धो के फिर नाश्ता कर लेते हैं, फिर रियाज करते हैं। रियाज किस अंदाज में करते हैं? रियाज तानपुरे पे वोकल एक्सरसाइज जो करते हैं, वोकल एक्सरसाइज होती हैं। क्या अंदाज होता है? नहीं, वो यहाँ नहीं बता सकते ना, वो तो सो जब जैसे खरीद लगा रहे हैं कुत्ते की तरह वो कर रहे हैं। So many exercise you have to do. इससे क्या फायदा होता है? ये करके देखिए आप, इससे चेस्ट की एक्सरसाइज अलग है, वोकल कॉर्ड्स की अलग है, ये सब सुबह सुबह करना पड़ता है ना, और मेंटेन करने के लिए। नहीं तो क्या आपका गला एक दिन आप लेट हो जाएंगे तो बैठ जाएगा, ज़्यादा गा लेंगे बैठ जाएगा, तो उसको मेंटेन करना पड़ता है। दोपहर का खाना होटल में खाया, चित्रा सिंह भी हमरा थी। अच्छी आवाज को कायम रखने के लिए मशहूर है कि मखसूस खाने खाए जाते हैं? नहीं, कई चीजें सिर्फ खाने से नहीं होता है। आपका सोना इम्पोर्टेंट है, किस वक्त आप उठते हो और खाना बर्फ पीते हो, अचार खाते हो। पाकिस्तान और भारत में मौसीकी के हवाले से क्या फ़र्क समझते हैं? मौसीकी तो वही है दोनों मुल्कों की, सिर्फ गाने वाले अलग अलग हैं। देखिए, मौसीकी दो तरह की होती है, एक अच्छी मौसीकी होती है सुर में, एक होती है गंदी मौसीकी, बेसुरी नॉइस। बाकी मौसीकी ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है, सेम 7 नोट्स हैं, उनका आप ठीक से गाओगे तो अच्छे लगेंगे और शोर मचाओगे तो बुरे लगेंगे। पॉप म्यूज़िक को आप कैसा समझते हैं? पॉप म्यूज़िक अच्छा है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन पॉप म्यूजिक। सर देखिए, गाने वाले पे है, आप कैसे क्या क्या चीज़ गा रहे हो। एक पॉप म्यूजिक सुरीला भी हो सकता है, अच्छा गाना भी हो सकता है, और पॉप शोर भी हो सकता है, बेसुरा भी हो सकता है। सर सिर्फ पॉप म्यूजिक का ये मतलब नहीं है कि बड़े बड़े बाल कर लिए और अजीब से कपड़े फटे हुए पहन लिए और उछल कूद के गा रहे हो, दैट इज़ नॉट म्यूजिक। वो तो आप कुछ तमाशा कर रहे हो, जो हमारे मदारी वगैरह नहीं करते थे वो था, और कुछ मुजरे मुजरे होते थे पहले उस तरह का, तो म्यूजिक थोड़ी होगा, क्योंकि उसकी म्यूजिक बनते ही नहीं उसको। पाकिस्तान और भारत में मौसीकी की समझ के हवाले से क्या फ़र्क है? नहीं है, सुनने वाले दोनों मुल्कों में। पाकिस्तान में तो खैर रवायत थोड़ी सी कम हुई है इस वक्त, कॉन्सर्ट्स नहीं होते हैं इतने, क्लासिकल मौसीकी ये वगैरह। लेकिन इंडिया में तो इट्स ए रेगुलर फीचर, क्योंकि हमारे जो सीज़न शुरू होते हैं अक्टूबर से लेके मार्च तक, ऑल ओवर द कंट्री देयर आर अबाउट 15-20 कॉन्फ्रेंसेस ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। तो हमारे गज़ल के प्रोग्राम होते रहते हैं 40-50 साल में कम से कम, ऑल ओवर द कंट्री। नौजवान नस्ल क्या गज़ल की गायकी को समझती है? नहीं, गज़ल की गायकी जो है ना, गज़ल गायकी की चीज़ नहीं है, गज़ल पोइट्री की चीज़ है। उसको आप कैसे गाते हो ये इट वेरीज फ्रॉम आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट, इसके कोई फार्मूले नहीं है। जो शेर एक शायर ने कहा है, मिसरा जो कहा है, उसका एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, इट वेरीज फ्रॉम बेगम अख्तर टू मेहंदी हसन, देर आर सो मैनी वेरिएशंस ऑफ वन मिसरा। आमतौर पर शराब, शायरी और गायकी को एक ही नज़र से देखा जाता है। नहीं, रॉन्ग है वो, शराब और गायकी का कोई मतलब नहीं। जो लोग देखते हैं वो अयाश हैं, क्योंकि वो शराब का लुत्फ, अब जब आप शराब पीते हो साथ में नमकीन खाना होता है तो वो चाहते हैं साथ में म्यूजिक भी हो, कुछ थोड़ा सा मुजरा भी हो। They want to enjoy their evening, their sharab. They are not connoisseurs of music. आप अपनी शायरी की सिलेक्शन कैसे करते हैं? हम पढ़ते रहते हैं, बुक्स पढ़ते रहते हैं, रसाले पढ़ते रहते हैं, शायर हमको भेजते रहते हैं, तो उसमें जो हमको सिंपल लगता है, अच्छा थॉट लगता है, हम सिलेक्ट कर लेते हैं। आप और चित्रा सिंह की जोड़ी ने मौसीकी की दुनिया में नई मिसाल कायम की, आखिर इस जोड़ी को किसकी नज़र लगी? नहीं, जोड़ियाँ तो पुरानी भी थी, पुरानी कई जोड़ियां हैं, जो हमारे रजिंदर मेहतानी ने मतलब एक जोड़ी थी, फिर भूपेंद्र मेहतानी ने हमारी देखा देखी बनाई, रूप कुमार राठौर, अब जोड़ियां तो हैं। आपको किसकी नज़र लगी? डेस्टिनी की बात होती है, जैसे मैटर ऑफ डेस्टिनी।
मैटर ऑफ लक। अब आप दोबारा इकट्ठे हो गए हैं? इकट्ठे ही हैं, अलग थोड़ी हैं। लेकिन इकट्ठे गाते नहीं? हाँ गाते नहीं, वो बस वो सुनती हैं आजकल। शी अप्रूव्स माय सिंगिंग। पाकिस्तान में मशहूर रवायत है, मौसीकी से बादल बरस सकते हैं, गिलास टूट सकते हैं। क्या आपको कभी ऐसा तजर्बा हुआ? नहीं, मुझे तो ऐसा कोई तजर्बा नहीं हुआ। देखिए, जो गिलास टूटना है ना, मतलब शीशा टूट सकता है, साउंड से शीशा टूटता है। जब आप कभी कहीं बम फेंकते हैं तो उस साउंड से आसपास के सब बिल्डिंग के शीशे टूट जाते हैं। दैट इज़ द वाइब्रेशन ऑफ द साउंड। तो उसको एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आप साउंड निकालेंगे जिससे ऐसा इम्पैक्ट आएगा तो शीशे टूट जाएंगे। इट्स पॉसिबल इज देयर। और वो जो आग लग गई है कि उसके इससे इज रिलेटेड टू जो शरीर का म्यूजिक का जो ताल्लुक है ना, वो आपकी बॉडी से बहुत है, आपकी जहन से, आपकी बॉडी से। जो सेवन चक्रास जिसको बोलते हैं बॉडी में, उसको वो रिवाइव करता है, उसको जागृत करता है। तो कुछ कुछ कॉम्बिनेशंस जो म्यूजिक के हैं, कुछ रागों के ऐसे हैं कि उससे आपका जो ब्लड प्रेशर हाई होता है, उसमें शरीर में गर्मी पैदा होती है। तो उसका जो दूसरा एक्सप्रेशन है, दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि संगीत से चिराग जलने लगे। उस लाउड एक्सप्रेशन अगर देखा जाए तो ये है कि सब उन्होंने राग दीपक गाया तो वो चिराग जलने लगे। पाकिस्तानी अवाम और भारतीय अवाम में क्या फर्क देखा? कुछ नहीं, सब एक से, दोनों एक से हैं। दोनों एक से, दोनों की वही बुरी आते हैं, वही अच्छी आते हैं, वही जुबान है, वही खाना पीना है, सब एक से हैं। कोई फर्क नहीं देगा मुझे। वो आने से पहले लग रहा था यार पाकिस्तान जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, कैसे लोग होंगे, क्या यहाँ के, तो लगा रहे अपने लोग हैं सब। भारतीय सियासत और पाकिस्तानी सियासत में कुछ फर्क नजर आया आपको? नहीं, हम सियासत की बात नहीं कर रहे। नजर आ रहा है जो कुछ कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। इट्स ए वेरी गुड बिगनिंग। दोनों मुल्कों के जो इस वक्त हेड हैं, दे आर इन ए गुड मूड टू सेटल एवरीथिंग। और ये हो जाए तो इट विल बी ए फेवर टू द नेक्स्ट जनरेशन। जो हमारी जो जनरेशन आ रही हैं, बच्चे जो हमारे आगे आ रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी फेवर होगी। पाकिस्तानी मौसीकी के बारे में आपकी क्या राय है? डोंट नेम पाकिस्तानी मौसीकी, इंडियन मौसीकी, इंग्लिश मौसीकी, मौसीकी है, ब्रांड मत लगाइए उसको। पाकिस्तानी मौसीकी कहाँ से आई है? पाकिस्तान 50 साल 60 साल पुराना है ना, वही मौसीकी है ना जो पहले इंडिया में थी, वही है ना। तो इसको डोंट, इसको अलग मत करिए, यही कसूर है, इसी से गड़बड़ हो रही है सब। मौसीकी इज मौसीकी। आपने मालकोंस का नाम बदला है? अभी तक नहीं बदला ना, मालकोंस मालकोंस ही है ना पुराना। गुलूकारा अभी मैं महनाज को सुन रहा था, बड़ी अच्छी गा रही थी अभी टीवी पे। और बाकी पुराने फनकारों में तो जो फरीदा खानम है, खान साहब मेहंदी हसन, अपने कराची में आजकल बीमार हैं बेचारे, बट ही हैड ए वेरी गुड इनिंग और आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट गज़ल गो, जिन्होंने गज़ल के एक्सप्रेशन को सही मायनों में प्रिडिक्ट किया है। उर्दू शायरी और हिंदी शायरी में कोई फ़र्क महसूस करते हैं? हिंदी का अपना रंग होता है, हिंदी में हिंदी के वर्ड हैं, उनका अपना एक्सप्रेशन है, लेकिन उर्दू के दूसरे डिसिप्लिन हैं, रदीफ, काफिया वगैरह, मीटर सब। आप उर्दू पढ़ लेते हैं? हाँ उर्दू पढ़ लेते हैं। आपको अपनी कौन सी गज़ल पसंद है? अभी आने वाली है, अभी जितनी की हैं वो सब स्टेल हो गई अभी। सिखों के मुकद्दस मजहबी शहर ननकाना साहब रवाना हुए। ननकाना साहब में उनका पुरजोश इस्तकबाल हुआ। मजहब का इंसान की जिंदगी में किस हद तक अमल दखल है? सरकार, मजहब जो है ना वो एक लाइफस्टाइल होता है, वो आपको ये सिखाता है कि जीना कैसे है। मैं जो इंटरप्रिटेशन करता हूँ मजहब की, बाकी जो चीज़ें हैं, मंदिर जाना, टीका लगाना, घंटे बजाना, दीज आर रिचुअल्स, दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। इम्पॉर्टेंट इज़ के जो
आप जिस मजहब को या जिसको भी फॉलो करते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या आपका लाइफ स्टाइल का है, आपका जिंदगी का, आपके जीवन जो है उस हिसाब से आप बिता रहे हैं या नहीं बिता रहे? अगर उस हिसाब से नहीं बता रहे तो फिर मजहब तो आप उसका कोई फायदा नहीं है। आप कितने मजहबी हैं? नहीं, मैं मजहबी नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मजहबी मैं तो सबको मानता हूँ। आई नो हाउ टू लिव। भारत में सिखों और मुसलमानों को किस हद तक आजादी हासिल? 100% कोई रोक टोक नहीं है। जिनको माइनॉरिटी बोलते हैं उनके लिए ज्यादा ख्याल रखा जाता है, वो हमारा अपना कसूर है। अगर हम कोई ठीक से मिसबिहेव करते हैं तो उसका उसकी सजा मिलती है, अदरवाइज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। बेसिकली तो हर रिलीजन का धर्म एक ही है। लाहौर के लिए रवाना हुए, आप अपनी शॉपिंग खुद करते हैं या कोई और? इट डिपेंड्स कि क्या शॉपिंग करनी है। घर के लिए अगर मुर्गी, तेल, नमक खरीदना है तो वो तो ड्राइवर करके लाएगा। मुझे अगर अपने जूते खरीदने हैं, कपड़े खरीदने हैं तो मैं खुद करूंगा। आपको शलवार कमीज ज्यादा पसंद है या कुर्ता पजामा? देखिए अभी तक तो कुर्ता पजामा पहनते आए हैं, तो अभी घर जाके एक्सपेरिमेंट करेंगे शलवार के ऊपर। शलवार वैसे लंबे आदमी को अच्छी लगती है। हमारा ख्याल है पजामा लंबे आदमी को अच्छा लगता है। अच्छा, चलो दोनों पहन लेंगे, नीचे पजामा ऊपर शलवार। आप गहरे रंग पसंद करते हैं या हल्के? हल्के, क्योंकि मेरा अपना रंग गहरा है ना। और क्या, हर दिन का एक अलग रंग होता है। जैसे संडे का जो रंग है वो सन के आसपास होना चाहिए, ऑरेंज कलर। मंडे इज मून, मंडे का वाइट होना चाहिए। ट्यूजडे का जो है वो मार्स का कलर है, रेड कलर होना चाहिए। वेडनेसडे का ग्रीन होना चाहिए। थर्सडे का अपना येलो होना चाहिए। फ्राइडे का वाइट होना चाहिए। सैटरडे का डार्क ब्लू या ब्लैक होना चाहिए। तो हर दिन के अपने अपने कलर हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उसके आसपास रहें। अदरवाइज वाइट इज द बेस्ट कलर, इट सूट्स एवरीबॉडी एंड एवरी डे। आपने पाकिस्तान में भी शॉपिंग की है, भारत में महंगाई ज़्यादा है या पाकिस्तान में? सब ऐसा है, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ कि इस वक्त जो हमारी जो एक पोजीशन है या स्टेटस ऐसा हो गया है कि 10-20 रुपए में कुछ हमको पता ही नहीं लगता। हम चीज़ खरीद के भूल भी जाते हैं कितने की थी। अच्छा, लेकिन जब हम लंदन में शॉपिंग करते हैं तो वो हमको महंगी लगती है, क्योंकि वहाँ हम फौरन उसको मल्टीप्लाई करते हैं 75 रुपीज़ के हिसाब से या 90 रुपीज़ के हिसाब से। वहाँ अगर हमको अंडरवियर भी लेना है, अगर वो 5 पाउंड का है तो हम फौरन उसको 75 से मल्टीप्लाई करेंगे और बोलेंगे यार 500 रुपये का अंडरवियर, वहाँ तो 30 रुपये मिलता है, तो वो हमको महंगी लगती है। बाकी यहाँ की चीज़ हम सोचते हैं यार ये तो पीनट्स है, बहुत सस्ता है। फोर्ट्रेस स्टेडियम लाहौर में शॉपिंग की, शॉपिंग के दौरान लोगों ने उन्हें पहचान लिया और उनसे ऑटोग्राफ लिए, होटल वापस पहुंचे। गुलुकारी के आगाज से शोहरत तक का सफर कैसे तय हुआ? ये तो मालूम ही नहीं पड़ा 35-40 साल कैसे निकल गए, क्योंकि स्ट्रगल ही करते रहे, मेहनत करते रहे। एवरी डे इज न्यू बिगनिंग, एवरी एल्बम इज न्यू बिगनिंग, बस बिजी रहे। आपके पास कितनी मर्सिडीज है? एक है अभी तो, अभी दूसरी पाकिस्तान जाने के बाद लूंगा। गजल की गायकी में जदीद तजर्बे नहीं किए जाते, जदीद आलात नहीं इस्तेमाल किए जाते, गायकी में करिए आप जो तजर्बा आपको करना, हम तो करते ही रहते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स के तजर्बे करते हैं, फिर जो साउंड टेक्निक्स के तजर्बे करते हैं और हारमोनाइजेशन के दरवाजे करते हैं, हर चीज़ करते हैं।
मैं हमारी आज से 10 साल पुरानी गजल है कि चित्रा से मैंने गवाई थी, हमको दुश्मन की निगाहों से न देखा कीजिए। उस वक्त हमने हार्मोनाइजेशंस ये वो सब जो मॉडर्न टेक्निक है वो यूज किया था। पाकिस्तान के अदबी हलकों की राय है कि गजल मुस्तकबिल की सिंफ नहीं है बल्कि नज़म शायद मुस्तकबिल की सिंफ हो। नहीं नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं। गजल इज सर्वाइविंग फ्रॉम 700 ईयर्स और गजल को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। नज़म जो है वो अपनी जगह है, नज़म का मजमून अलग रहता है, उसका स्टाइल अलग है। क्योंकि मैंने मैक्सिमम अगर नज़में मैंने रिकॉर्ड की हैं तो वो सभी पॉपुलर हुई हैं। गुलुकार आम तौर पर रोमान परस्त होते हैं, आपने अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत औरत कहाँ देखी? ये अंदर की बात पूछ रहे हो तुम? अभी देखिए, इस वक्त मैं आप रिकॉर्ड कर रहे हो, इस वक्त क्या एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे? सबसे खूबसूरत मेरे साथ है, चित्रा इस सबसे खूबसूरत औरत है इस संसार की। वो फनकार ही नहीं जिसे इश्क ना हो, आप अब तक कितने इश्क कर चुके? तो ये इश्क जो है ना, ये सब जहनी सोचने की चीज़ होती है। जो आप पूछना चाहते हैं वो इश्क नहीं है, समझे ना, वो कुछ और है। वो क्या है? वो फिजिकल अट्रैक्शंस होती हैं जिसको आप इश्क का नाम देते हैं।